और देखो जैसे दरवाजे की घंटी बजी भैया रस्तोगी जी बाहर निकले बनियान पहन कर, तो देखा यू देखो यहाँ तो सांसद उपनाव प्रकट हो गए, उनके साथ रंजीत बाबू स्वास्थ्य भी दिख रहे थे और तीनों मिल करके भैया हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और देखो भैया तिरंगा वितरित भी कर रहे थे, नगर वासियों से भेंट कर रहे थे, देखो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, अब दो मंजिला पर चढ़ गए, यहाँ पर बिठा करके तिरंगा फहरा दिया और हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे थे। देखो भैया बंदे माता की गुस्से पर बाराबंकी जिला झूम उठा भैया, और चाची समझ लो एक बात, ही को वक्त रख मत देना घर में, छत पर जाकर फहरा देना, डंडा आप को लाना पड़ेगा, तिरंगा तो सांसद जी ने भी दे दिया और रंजीत बाबू स्वास्थ्य ने भी दे दिया, तो एक वक्त फहरा दीजिए और वक्त हर घर तिरंगा लगाने की अपील कीजिए। फिर आप बड़े धूमधाम के साथ बाराबंकी जिले में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, अब चाहे वक्त माथी चौड़ा की बात कर लो, अब ये रिक्शा अब यह रॉकेट बन जाएगा, उड़ा ले जाएगा सबको। देखो इतनी जोर चला था कि कार था, आगे का शीशा भी गायब था और झंडा बांध रखा था, ऊपर तो छोरी भोंपू बांध रखा था, और इतनी जोर से बजा कर निकला कि कार था, सब देखते रह गए, हैरान मत हो गए। अब माथी चौराहे से भैया तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाती है, माथी गाँव पर जा करके इसका समापन होता है। भाजपा के भैया बंकी मंडल अध्यक्ष हैं संजीव वर्मा, उन्हीं के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इससे तनाव तो प्रदेश के बाहर बंकी जम के भैया मजी ठहरिए, जैसे यहाँ पर देख लो मां नौजवान लड़के, देखो सबके सब पकड़ा स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा निकाले थे, माथे पर टोपी लगा कर। बाराबंकी जम के लोगपुर क्षेत्र लिए जाते, यहाँ पर देखो मार मोनू हाथों में तिरंगा लेकर के छत पे लहरा रहे थे, फहरा रहे थे और हर किसी से हर घर में तिरंगा लगाने की अपील कर रहे थे। बाराबंकी जिला छोड़ दो भैया पूरे देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल बाराबंकी जम उत्तर प्रदेश के लिए।